जनपद रामपुर में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के आज नामांकन का पहला दिन है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के नामांकन जिला पंचायत परिसर में जमा हो रहे हैं, तो वहीं प्रधान और BDC के नामांकन उनके अपने अपने ब्लॉक में जमा किए जा रहे हैं। इस नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के काफी कड़े बंदोबस्त किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई थी और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नामांकन स्थल की निगरानी की जा रही थी। नामांकन के बाद हमने कई प्रत्याशियों से बात की तो उन्होंने जीतने के बाद विकास के वायदे किए और जनता को हर संभव भरोसा दिलाया कि वे अगर जीत कर आते हैं तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दिलीप कुमार सागर। कौन से वार्ड से हैं? 30, वार्ड नंबर 30 से। किस पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, आज आप नामांकन करने आए हैं। जी सर। तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप इस चुनाव के मैदान में उतरेंगे? चुनाव में मुझे बहन जी ने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद देकर जनता के बीच सेवा करने का मौका दिया है, मैं उस मौके पर अपने जो मेरे साथ चल रहे आदरणीय मेरे भाई नवनीत यदुवंशी जी, इनके साया में मैं काम करते हुए आग्रह अभी सभी जनता को मैं विश्वासपूर्ण तरीके से दिलवाना चाहता हूं कि इनके विश्वास पर और बहन जी के मान सम्मान की दिल में गरिमा को रखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए मुझे जनता के बीच खड़ा उतरूंगा। मैं पूर्ण विश्वास के और सत्यनिष्ठा के साथ विश्वास के साथ कहता हूँ कि कभी भी जनता के बीच मान सम्मान को, जनता की विश्वास को कभी ठेस नहीं आने दूंगा। उनको हमेशा सम्मान की नज़र से और उनकी आवाज़ हर सुख दुख की आवाज़ को बहन जी या शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाता रहूंगा। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अमीर अहमद। आज आपने अपनी पत्नी का नामांकन किया, क्या नाम है और कौन से वार्ड से किया? जी 17 वार्ड से किया, साहब कश्मीर में उनका नाम। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। वार्ड नंबर 5 से, वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस पार्टी। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम खलील अहमद अंसारी। तो पहली बार आपने नामांकन किया? जी इससे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ 5 साल, 2010 में। सर, कांग्रेस पार्टी ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह की समस्याएं हैं जिसको आप सबसे पहले समाधान करेंगे? क्या समस्याएं हैं आपके जिला पंचायत की? समस्याएं क्या है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करी जाएगी, वो क्या समस्या है? अच्छा, देखिए पत्नी का नाम है अंजलि उर्फ प्रेमलता। हमने 25 बार से नामांकन किया है जिला पंचायत के लिए। हम 2000 में भी जिला पंचायत मेंबर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती वाइफ हमारी, और 2005 में भी जीती, और हमने कहना चाहिए अब 25 से साबाद में जिला पंचायत के लिए नामांकन किया है। किस तरह के मुद्दे रहेंगे और किस तरह विकास कराएंगे? हम चाहते हैं असल में कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, हम चाहते हैं सबसे पहले सबको मान सम्मान मिले, बराबरी का दर्जा मिले, कोई ऊंच नीच ना हो और सभी को लगे कि हाँ वाकई इंसानियत का ये फर्ज रहता है कि सब एक बराबर है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मान सम्मान के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास का क्षेत्र में विकास सबसे बड़ा विकास और शिक्षा उसका नाम सबसे पहले विकास। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? BSP उसका नाम। ठीक है, श्रीमती सरोज है, मैं BA कर रही हूँ, BA मतलब फाइनल है, और मैं अपने देश में मतलब विकास करना चाहती हूँ, देश सेवा करना चाहती हूँ। जो अशिक्षित लड़कियाँ हैं उन्हें मतलब शिक्षित मतलब बनने के लिए ज्ञान देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ठीक, नाम लखवीर सिंह। कौन से वार्ड से आपने नामांकन? जिला पंचायत सदस्य पद। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे लेके उतरे हैं फील्ड में? किसान मजदूर एकता का मुद्दा है हमारा, किसानों के साथ हैं हम सारे, पहले कानून के खिलाफ हम निवेश करते हैं। ठीक, बच्चा नामांकन।
तो किस तरह के मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्याएं सारी बस किसान मजदूर वाली है। अच्छा, उसी के साथ खड़े रहेंगे हम। अच्छा सर, ठीक। नंबर 13 जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से हमारी वाइफ शमशीर भाई बाब जाहिद ने पर्चा दाखिल किया है। पार्टी खसरू सेना अलवी शेर अली जाफरी साहब की पार्टी है, जिसे हम वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी का हमें जो लड़ने का पावर मिला है, और मेरे साथ में मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष अलवी शाकिर साहब भी मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस नंबर पे मेरा पर्चा अभी मेरी वाइफ ने दाखिल किया है, मैं फील्ड में जाऊंगा। लोग हमारे साथ हैं, पब्लिक हमारे साथ हैं, हम खर के दुख दर्द में शामिल होते हैं। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलवी शेर अली जाफरी साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी वाइफ को इस काबिल समझकर मुझे वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत का सदस्य के लिए नामांकित किया है, मैं उनका आभारी हूं। और मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ चुनाव जीत के आऊँगा और वार्ड नंबर 13 से अपनी वाइफ को जिला पंचायत सदस्य बना के लाऊँगा। जी गुड्डी बेगम जी, आपने आज नामांकन किया है, किस वार्ड से किया है? मैं 30 नंबर वार्ड से किया। किस पार्टी से हैं आप? समाजवादी पार्टी से। चुनाव के जीतने के बाद क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विकास ही, लोगों की समस्याएं हैं, जो लोग परेशान होते हैं गांव में, ज़्यादातर गांव का ही है हमारा। तो हम पहले भी 10 साल रहे हैं जिला पंचायत। अच्छा। विधायकी का इलेक्शन भी लड़े हैं, जिला योजना के मेंबर भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विकास किया है, जब ही तो 2 बार 3 बार बने हैं। इस बार भी ऊपर वाले से यही है उम्मीद कि भाई कामयाब होगी। देखिए, अभी आज से चूँकि नामांकन स्टार्ट होना था, सारी व्यवस्थाएं हमने पहले से ही पूर्व प्रबंध कर दिए थे, और कल शाम को ही हमने सभी अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया था, और सारे हमारे आरओ एआरओ मौके पे हैं और सही प्रकार से उचित प्रबंध किए गए हैं। 3 काउंटर बनाए गए हैं, टोटल हमारे जो वार्ड हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, और जो सॉफ्टवेयर वगैरह में फिटिंग होनी थी, पर्याप्त व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं। अभी चूँकि भीड़ कम है, तो जो मैनेजमेंट के हिसाब से हमने और एसएसपी साहब ने यहाँ पे दौरा कर लिया है, और जो 100 मीटर का नियम है उसके लिए हिसाब से बैरिकेडिंग वगैरह सब प्रॉपर है, पर्याप्त इंतजाम है, किसी को कोई इशू नहीं आएगा। जो आज शाम तक जितने लोग आएंगे सबके लिए उचित व्यवस्थाएँ हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें 3 स्टेज में बैरियर लगाए गए हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है, आधी अंदर एक ही अलाउड है, लेकिन साथ में लोग आ रहे हैं, उनको वहीं पर रोक के फ्रिज चेक करके वापस कर रहे हैं। साथ में इससे पहले भी जो बैरियर लगा है उस पर सबकी जितनी नॉर्मल चलने चल रही है, उनकी भी चेकिंग चल रही है, गाड़ियाँ भी चेक करी जा रही हैं, कोई इलीगल असला या अवैध सामग्री लेके तो नहीं मिल रहा, इस चीज़ के लिए हमने टीम चिप्लाई कर। ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, आप देख सकते हैं, ड्रोन से पूरे कैंपस की नज़र रखी जा रही है, और रोड के उस साइड भी हम कोशिश करें, टायर कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे।